हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हैप्पी जर्नी में। आज का ये जो ब्लॉग है वो ग्रैंड बैनिस मॉल के ऊपर है, जो ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर जिले के अंदर है। तो आइए चलते हैं, मॉल घूमते हैं और आपको भी घुमाते हैं। तो गाइज, अभी हम लोग आ चुके हैं नोएडा। ये देखिए लिखा हुआ है, नोएडा में आपका स्वागत है। और नोएडा से होते हुए ग्रेटर नोएडा जाएंगे और वहाँ से बस पर बैठेंगे और बस से परी चौक जाएंगे। परी चौक बैनिस मॉल से काफ़ी करीब है। तो आइए चलते हैं, आपको आगे दिखाते हैं। तो दोस्तों, हम लोग बस में बैठ गए हैं और जा रहे हैं परी चौक। वेनिस मॉल के काफ़ी करीब है परी चौक, तो परी चौक पे हम लोग उतर जाएंगे। तो आइए चलते हैं, आगे आप लोगों को दिखाते हैं। दोस्तों, अभी फाइनली हम लोग अभी परी चौक आ गए हैं और परी चौक से हम लोग सोच रहे हैं कि एक्चुअली पैदल ही चला जाए, काफ़ी दूर नहीं है एक आध, तो चलिए चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। दोस्तों, अब करते हैं आपके आने की बात, ठीक है। अगर आप आना चाहते हैं तो आप अपनी गाड़ी से अगर आ रहे हो नॉर्मल, तो आप आ सकते हो यमुना एक्सप्रेस वे को सीधा पकड़ कर आप आ सकते हो यहाँ पे। और अगर सबसे सस्ता आना है तो बस से आओ आप सिंपल से। अगर आप दिल्ली NCR की तरफ से आ रहे हो तो आप BTC का पास बनवाओ, 50 रुपये का, आराम से आप बोटैनिकल गार्डन आके उतर जाओ। उसके बाद फिर वहाँ से परी चौक के लिए मिलती है, परी चौक आ जाओ, फिर वहाँ से 2-2 किलोमीटर है परी चौक से। और सबसे अच्छा अगर आना चाहते हो, आपको उतना लफड़ा नहीं करना है, तो सबसे अच्छा आप मेट्रो से आ जाओ, सीधा परी चौक उतरो मेट्रो पे, जो कि काफ़ी नज़दीक है और वेनिस मॉल से, तो ऐसा चाहे आप आ सकते हो। गाइज, अभी चलते पैदल चलते चलते भूख लग गई है यार, तो आगे अभी देखता हूँ क्या मिलता है, तो जो मिलता है अभी खाते हैं और दिखाते हैं आपको। तो गाइज, चलते चलते हमें एक भाई मिला है जो छल्ली बेच रहा है, तो चलिए उसके शॉप से ही कुछ खरीद लेते हैं यार, काफ़ी मुझे अच्छा लगा। तो आइए चलिए, आपको भी मिलवाते हैं उस भाई से। तो गाइज, ये है वो भाई जो कि छल्ली बेच रहा है, ये देख सकते हो आप। और इसकी उम्र यार कितना छोटा सा बच्चा है एकदम, लेकिन छोटी सी उम्र में ये सब काम कर रहा है। तो कब से कर रहे हो भाई? 5-6 दिनों से कर रहा है भाई, अभी स्टार्ट ही कर रहा है। देख रहे हो, मतलब हिम्मत देखो भाई की यार, मतलब थोड़ा सा और मास्क करा दे भाई। देख रहे हो कितना बच्चा था भाई, नाम बताओ क्या यार? पुष्पेंद्र नाम है भाई का। यार मैंने देखा जब रास्ते में, तो मुझे लगा कि नहीं यार, भाई का कुछ तो करना चाहिए यार, अगर सपोर्ट तो करना चाहिए जितना बन सके। तो गाइस, अभी हम लोग भाई से बात कर रहे हैं कि एक्चुअली भाई छल्ली वगैरह दिखाओ यार अपने, अभी हम लोग छल्ली देखेंगे भाई के। तो ये देखिए, भाई ने एक्चुअली अब चालू कर दिया, तो छल्ली दिखा रहा है भाई। भाई घबराओ मत, बिल्कुल घबराओ मत, ठीक है, टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम्स वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी उम्र क्या हो रही होगी तुम्हारी? 14। चलो, और पढ़ाई लिखाई करते हो? छूट गई है? चलो चलो, कोई बात नहीं है, इसको खोलो, एक दे ही दो हमें, एक चाहिए मुझे, वैसे भी भूख लगी हुई है, एक कर दो। ये देखिए, ये भाई खोल रहा है एक्चुअली, और ये देखिए ये बना रहा है भाई। भाई अगर आप भी आओ कभी रास्ते में, अगर दिख जाए तो भाई प्लीज़ यार आप लोग भी ख़रीद सकते हो। तो भाई इसका भी ये भाई तैयार कर रहा है एक्चुअली, नमक वगैरह लगा के सही से। तो देखिए आप, इतने मशहूर है ये नींबू मसालेदार गरम ना गरम उबले हुए दाने भाई। अच्छा अच्छा, तो भाई इतना अच्छा यार, सच में बता रहा हूँ, भाई को मैं अभी पहली बार मिला हूँ, जानता भी नहीं हूँ, लेकिन भाई ने जैसे ही देखा कैमरा और मुझे, मैं इससे बात कर रहा था, तो भाई ने बोला कि भैया आप फ्री में खा लो, तो मैंने बोला नहीं भाई यार, फ्री में किसी का कुछ खाया नहीं जाता है सच बताओ तो। और अब वैसे भी आप काफ़ी मेहनत कर रहे हो, तो ये होता है भाई छोटा पैकेज, लेकिन दिल देख रहे हो भाई का यार, दिल दरिया है भाई का यार। अगर आप मॉल में चले जाओ, ऐसे ज़रा डोमिनोज में चले जाओ कहीं कहीं पर, तो यार पाउच के भी पैसे लेते हैं, चटनी के तक पैसे लेते हैं, लेकिन भाई ने ये जो छल्ली 20 रुपये का छल्ली फ्री दे रहा है मुझे, बताओ यार, ये होता है दिल भाई। ये लो 20 रुपये हो गए ना भाई, फ्री में क्यों दे रहे हो यार, जब काम कर रहे हो मेहनत कर रहे हो तो फ्री में क्यों दे रहे हो? तो ये भाई फ्री में दे रहे हो यार, देने के लिए भाई, इतनी छोटी उम्र में काम कर रहे हो यार आप, सिंपल सी बात है, पैसे के लिए कर रहे हो। तो मैंने भाई को 20 रुपये दिए हैं, ठीक है, और मैं भाई को कुछ देना चाहता हूँ,
ठीक है भाई, ये पकड़ो, ठीक है, बहुत मेहनत कर रहे हो यार, मिल के बहुत अच्छा लगा भाई। भाई बोल दो हमारे व्यूअर्स को कि सब्सक्राइब करो इसके चैनल, हाय करो, बोल दो सब्सक्राइब कर दो भाई का चैनल, थोड़ा जोर से बोलो, जोर से बोलो सब्सक्राइब कर दो, नहीं हाय कर दो मेरे व्यूअर्स को, हाय, थैंक यू सो मच गाइज। तो इसी तरह आप लोग भी हेल्प करो जितना भी बन सके भाई, सिंपल सी बात है, जिस तरीके से बन सके, ज़रूरी नहीं है कि आप पैसों से हेल्प करो, सच में बहुत टेस्टी। अगर आप भी आओ बैनिक तो रास्ते में अगर दिखे तो भाई खा लिया करो यार, बड़े बड़े होटलों में तो हम लोग खा ही लेते हैं यार, लेकिन रास्ते में खाओ, काफ़ी अच्छा टेस्ट मिलता है और सस्ता सस्ता भी होता है और किसी का भला भी हो जाता है आपके थ्रू। गाइज फाइनली हम लोगों ने खा लिया यार, और हम लोग आगे आ गए हैं, अब चलते चलते बस कुछ 1 किलोमीटर का बच गया बस बैनिक, तो चलिए चलते हैं। गाइस ये है कुछ बैक साइड का वेनिस, बैक साइड का वेनिस कुछ इस तरह से दिखता है, ये दिख रहा होगा आपको, तो ग्रैंड वेनिस मॉल, ये बैक साइड का है और ये फ्रंट से व्यू है कुछ वेनिस मॉल का इस तरीके का, काफ़ी लाजवाब है भाई, काफ़ी लाजवाब, ये उम्दा है। ये देखिए ये गार्ड साहब खड़े हुए हैं, ये सबको रूल फॉलो करवा रहे हैं, ये मास्क पहन लो, लेकिन ये भाई खोला हुआ ही है। ये 2 नंबर गेट है, इसी से एंट्री होती है। तो अभी हम लोग बाहर खड़े हुए हैं वेनिस मॉल, तो अंकल जी के पास आ गए हैं और अंकल जी से बात करेंगे कि मॉल कितने बजे टाइमिंग वगैरह जो भी है लॉकडाउन की वजह से चेंज हो गई है, तो कितने बजे अंकल जी मॉल खुल जाती है? जी 10 से 8 बजे तक, 10 से 8 बजे तक, सैटरडे और संडे ऑफ रहती है, ऑफ रहती है लॉकडाउन की। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। तो दोस्तों कोरोना की वजह से एक्चुअली मास्क वगैरह पहनना पड़ रहा है, थोड़ा सा पैंडेमिक का ध्यान रखना पड़ रहा है, तो अभी हम लोग चलते हैं अंदर। तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं वेनिस मॉल के अंदर और धीरे धीरे करके मैं एक एक करके वेनिस मॉल आपको घुमाऊंगा। ये देखिए मेरे पीछे काफ़ी बढ़िया लुक है, बहुत ही बढ़िया मौसम दिख रहा है दोस्तों, देखिए सब दोस्तों आने वाले हैं, अभी हम अंदर जाकर तो और भी सारी उसकी खूबियाँ दिखाते हैं आपको, तो चलिए चलते हैं धीरे धीरे मेरे साथ में। दोस्तों अभी मेरे भाई को भूख लगी हुई है तो इसको बर्गर खाना है, तो आइए बर्गर खिला के लाते हैं इसको। भाई बहुत भूख लगी है सुबह से, सिर्फ एक पिज्ज़ा खाया है, एक पिज्ज़ा, आज बर्गर खाऊंगा। बस मौज कर दी भाई ने, 500 ठीक है, मेरे ही पैसे लेकर के मौज कर रहा है। तो गाइज आप लोग आ सकते हो यार घूमने के लिए, बहुत ही अच्छा मॉल है और बच्चों के लिए खासकर स्पेशली पूरी फैमिली के साथ आ सकते हो आप लोग। मतलब ये जो आप लोग होटल देख रहे हो, रेस्टोरेंट देख रहे हो, ये बिल्कुल कपल्स वगैरह के लिए काफ़ी ज़्यादा ये अट्रैक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे गंडोला राइड चलती है इसके अंदर, ये बिल्कुल गंडोला राइड के लिए स्पेशली ये डिज़ाइन किया गया है, तो इसी में गंडोला राइड चलती है जो कि काफ़ी फेमस है इस मॉल की, इंडिया का पहला ही ऐसा मॉल इसके अंदर गंडोला राइड चलती है, जो कि काफ़ी ही बेहतरीन डिज़ाइन किया गया है इसको। तो अभी फ़िलहाल आप देख रहे होंगे इसको शायद ये खाली है, बट ये मैंने पता किया है एक्चुअली अब 15 से 20 तारीख के बीच में चालू हो जाएगी, तो आप लोग जो भी अब आएंगे और तो आप लोग काफ़ी एंजॉय कर पाएंगे उस सब सारी चीज़ों का, तो प्लीज़ गाइस आप लोग एक बार विजिट कर सकते हो, काफ़ी बहुत ही बहुत बेहतरीन मॉल है। ये देखिए गाइस फाइनली गाइस देखिए लौंडे को बर्गर मिल ही गया है, और ये बहुत गर्म है, पता नहीं क्या इसे आग लगी पड़ी है, और ये दबाया जा रहा है। खा लो भाई, खा लो आराम से। क्या हुआ है, कैसा बर्गर है भैया? चीज़ एकदम तो सॉलिड मिला हुआ है। हाँ कितने का मिला है एक्चुअली? ये है 165 एक्चुअली, ये झूठ बोल रहा है, सच बताओ यार हमारे ऑडियंस को, सच बताओ, ये 50 रुपीज़ का बर्गर? नहीं तो तुमने तो बर्बाद कर रखा है यार, बताओ। काफ़ी पब्लिक भी आई हुई है फ्रेंड्स, काफ़ी भीड़ चलती रहती है यहाँ पे, एक्चुअली अभी कोरोना का टाइम है ना, थोड़ा सा बहुत लोगों को पता भी नहीं है, तो धीरे धीरे सारी एक्टिविटीज़ खुल रही हैं। ये काफ़ी सुंदर डिज़ाइन है इसका, ये देखिए सीढ़ी एकदम बिल्कुल ऊपर, एकदम A1 क्लास। मास्क वास्क पहन कर रखो यार, नहीं तो बिना मास्क एंट्री वगैरह नहीं दे रहा, अभी मना कर दिया था मुझे मास्क बिना मास्क के, पता नहीं यही तो आंटी थी अभी, पता नहीं कहाँ चली गई, बस मुझे मना करने के लिए लग रहा है आंटी जी, इनसे यही सिर्फ खड़ी थी लेने वाली थी कि मैं आ गया अचानक से, इनको मास्क बचाया 10 रुपये का खरीदा मैंने अभी, इनको अंदर से नहीं बचाया, लौट ही रहा है मुझे, फर्स्ट टाइम तो आ रहा वापस, या फिर इससे पहले भी आ चुके हैं आंटी भी कह रही है आप लोग विजिट करो एक बार, काफ़ी यूनिक मॉल है, क्योंकि ये इंडिया का पहला ऐसा मॉल है जो कि इटली के सर वेनिस के ऊपर इसे बनाया गया है, तो काफ़ी अच्छा है। दोस्तों हम लोग मस्ती जोन के अंदर जा रहे हैं, मेरा मस्ती जोन, और अभी हम लोग अंकल जी से थोड़ा बात कर पूछते हैं कि गंडोला राइड्स वगैरह कब खुल जाएंगे। अंकल जी ये गंडोला राइड्स वगैरह कब तक खुल जाएंगे?
जाएंगे। गंडोला राइड्स वगैरह कब तक खुल जाएंगे? हमारे मछली जोन बंद है, कब तक खुल जाएंगे? कोई चांसेस वगैरह? 15 से 20 में अगर। चलिए धन्यवाद आपका। और बच्चों को एंजॉय करने के लिए फुल मस्ती वगैरह है आप लोगों के पास? थैंक यू सो मच। ये देखिए हम लोग जा रहे हैं इसके अंदर धीरे धीरे, तो काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा है, तो काफ़ी इंजॉयमेंट कर सकते हैं। देखिए सब नाच रहा है, पूरा मस्ती जो ये मस्ती जोन का कुछ अंदर का लुक इस तरह का है दोस्तों। ये देखिए ये बम्पिंग कार्स वगैरह हैं, ये सारी कार सारी प्लेन्स वगैरह। ये देखिए काफ़ी घोड़ा गाड़ी, बच्चों के लिए काफ़ी स्पेशली ये बनाया गया है डिज़ाइनर। ये 3D कार रेसिंग्स वगैरह, इस सीट्स पे बैठ के आराम से इंजॉय कर सकते हैं आप, सारी कारें वगैरह का गेम खेल सकते हो आप। देखिए ये चला भी रहा है बैठ के। तो आप ये सब सारी की सारी प्लेस एंजॉय कर सकते हो। ये शूटिंग आर्चरी है, शूट वगैरह कर सकते हो अगर आप इसके शौकीन हो तो, ये खेल सकते हो आप, काफ़ी इंजॉय आएगा। लेकिन कैसा लग रहा है सर? बहुत बढ़िया लग रहा है। बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है बाबू आप लोगों को? इधर कैमरे में देखो, ये देखिए ये हैमर मैन, ये हैमर से अभी इस पर हिट करेगा, बट ये ख़राब हुआ पड़ा है। ये देखिए ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। और आपको पावर वगैरह का यूज़ दिखाना है तो ये इस पर दिखा सकते हो लाइक दिस। ये देखिए आप इस गेम का भी इंजॉय कर सकते हो। अभी सर देखिए फेंकेंगे और बॉल पर थ्रो करेंगे, और अभी ये एंड ये गया, ये एक रह गया था अब जाके। तो गाइज ये गेम भी आप लोग इंजॉय कर सकते हो। अभी देखो अभी मैम अभी फेंकेंगे ये बॉल को, ये इन्होंने फेंक दिया है, और ये जाते हुए ये बॉल ही रुक गई, एक्सीडेंट गई। ये सारा का सारा फूड कोर्ट है, काफ़ी ज़्यादा, कम से कम इस पर बहुत 1300 लोग के आसपास करीबन बैठ के खा सकते हैं आराम से, बिल्कुल नॉर्मली। काफ़ी बहुत बड़े एरिया में है ये, देखिए काफ़ी काफ़ी बड़ा है। और एक चीज़ और बता दूं मैं यहाँ का, कि एक्चुअली अगर आपके पास कैश है तो कैश, या इधर हर काउंटर पर कैश नहीं चलता है, तो आपको कैश को एक्सचेंज कराना होता है कार्ड के रूप में। तो ये भाई जो जा रहे हैं ना, ये एक्चुअली करते हैं, तो ये अभी है पता नहीं उधर जा रहे हैं, तो ये आपके कैश को कार्ड में बदल देंगे और फिर आप आराम से कहीं भी फूड वगैरह ले सकते हो। और लेकिन हाँ, अगर आपके पास कैश है तो सिर्फ आप डोमिनोज वगैरह में इंजॉय कर सकते हो। गाइस ये देखिए मेरे सारे के सारे मतलब पंजाब से आए हुए लोग, भाई लोग हैं, और ये एक्चुअली मॉल घूमने आए हैं पंजाब से, तो समझ सकते हो कितना अच्छा मॉल है ये। तो भाई लोग कुछ आप लोगों को सजेस्ट करेंगे, तो बताइए आप लोगों को कैसा लग रहा है मॉल? अच्छा लगा, अच्छा मॉल, बहुत अच्छा लगा भैया का यहाँ पे आके, बहुत बढ़िया मॉल है। भाई ने नया चैनल बनाया, यूट्यूब चैनल, भाई का नाम पंकज है, हैप्पी जर्नी चैनल, हैप्पी जर्नी यूट्यूब पे सब्सक्राइब करो भाई को, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। तो आप लोगों का नया स्टार्ट कर रहा है भाई की हैप्पी जर्नी के लिए, हैप्पी जर्नी, थैंक यू, थैंक यू भैया, भाई भी अच्छा है, ठीक है। और आप लोगों को कैसा लगा मॉल? पूरा मॉल मैंने अच्छा मॉल लगा, एंजॉय किया, मज़े आए। थैंक यू, थैंक यू सो मच आप लोगों का, थैंक यू सो मच।